बढ़ते एड्स के मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि सूबे के जेलों में 5.5% कैदी एचआईवी के शिकार हैं। उनके इलाज के लिए एटीआर यूनिट लगाने की तैयारी है और हर नए कैदी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री हरमिंदर सिंह ने वीरवार को कोरोना वायरस के उत्पन्न हालात के मुकाबले को लेकर किए गए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। वीरवार तक 13 व्यक्तियों में कोरोना वायरस के लक्षण होने का पता लगा। हालांकि स्थिति पूरी तरह से काबू में है और किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। देश में कोरोना वायरस ने दस्तक देने के बाद आम लोगों में दहशत का माहौल है। दूसरी तरफ कोरोना के नाम पर दवाइयों के दाम 25-45% तक का उछाल आ चुका है। इसका फायदा लेकर कुछ दवा विक्रेता दवाओं को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का मामला सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार को अब ये डर सताने लगा है कि यदि इस मामले पर औद्योगिक इकाइयों पर दबाव बनाया तो इंडस्ट्री कहीं प्रदेश से बैकअप ना कर जाए। कोरोना को लेकर हरियाणा में स्वास्थ्य महकमा जहां एक ओर पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं केमिस्ट दुकानों में मास्क और बुखार की दवाइयों के मनमर्जी दाम भी वसूले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे के आला अफसरों ने स्टेट ड्रग कंट्रोल को निर्देश दिए हैं कि वो जिलों के केमिस्ट दुकानों पर औचक निरीक्षण कराएं और जहां भी इस तरह की कालाबाजारी सामने आ रही है वहां एक्शन लें। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भी 20-60% तक का नुकसान पहुंचा है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने 6 मार्च को भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।